तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 जो कि सर्कल की तीसरी एक्सरसाइज है। तो देखो तीसरी एक्सरसाइज के अंदर तीन ही क्वेश्चन है, देखो थर्ड एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस और वो भी हम सारे नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुमसे एक खास बात पूछूंगा। मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे सामने एक सर्कल बना रहा हूं इधर और एक सर्कल बना दिया मैंने इधर, तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि इसी इंसान की मैंने दो आंखें बना दी, लेकिन मेरी बात का यकीन करो ये किसी भी इंसान की दो आंखें नहीं है। कभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि दो गोली मतलब दो आंखें, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस सर्कल पर एक पॉइंट है, बोर्ड पे देखो पॉइंट दिखाई दिया, इतना बड़ा पॉइंट बनाया कि अंधे को भी दिखाई दे जाएगा और तुम्हारी तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और इस सर्कल पर मैंने ये वाला एक पॉइंट बनाया, इस पर पॉइंट दिखाई दिया, दिखाई दे गया होगा भाई। पॉइंट देखना कौन सी बहुत बड़ी बात है, पॉइंट देखने में केवल क्या लगती है, आंखें लगती हैं, दिमाग नहीं लगता। अगर दिमाग लगता होता तो तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग की क्या है, कमी है। अब मुझे बताओ इस सर्कल पर यह वाला पॉइंट, इस सर्कल पर यह वाला पॉइंट, दोनों सर्कल पर अपना अपना क्या बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है। इस सर्कल का अपना एक खुद का पॉइंट है और इस सर्कल पर अपना और एक खुद का पॉइंट है, लेकिन अगर मैं इन दोनों सर्कल को आपस में टच करवा दूं, क्या करवा दूं, टच करवा दूं। अब मुझे बताओ ये जो बीच में पॉइंट है ये दोनों का है ना, यही वाला पॉइंट किसका है, इस सर्कल का, और यही वाला पॉइंट किसका है, इस सर्कल का। क्या इन दोनों के अंदर कोई कॉमन पॉइंट है, क्या ऊपर वाले सर्कल में क्या कोई कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट उसे कहते हैं जो दोनों का होता है। बताओ ये इसका खुद का है और ये इसका खुद का है, क्या दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट माना जाएगा, मुझे बताओ यहां पर जो कॉमन पॉइंट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, जीरो। इसका भी अपना खुद का पॉइंट है, इसका भी अपना खुद का पॉइंट है, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट उसे कहते हैं जो दोनों का होता है। इसका ये सिर्फ इसका है और ये वाला पॉइंट सिर्फ इसका है। लेकिन अब जरा नीचे वाले में फोकस करो, मुझे बताओ बीच वाला ये जो पॉइंट है ये दोनों का है ना, ये पॉइंट इस सर्कल का भी है और ये पॉइंट इस सर्कल का भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल इस पॉइंट से क्या हो रहे, टच हो रहे हैं, मतलब कि ये पॉइंट दोनों का है। तो यहां पर कॉमन पॉइंट कितने हैं मुझे बताओ, सीपी का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट। तुम्हें पूरा लिखना है जब मैं बोलूं, अभी ये फिगर वगैरह ड्रॉ मत करना, ना ही कुछ लिखना, केवल बोर्ड पर देखकर समझते जाओ बस। अभी तुम्हें कुछ भी नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बताओ यहां पर कितने कॉमन पॉइंट है, यहां पर कॉमन पॉइंट है एक। देखो ऊपर वाले डायग्राम में जीरो कॉमन पॉइंट था, मतलब दोनों का अपना अपना पॉइंट था लेकिन दोनों का एक पॉइंट नहीं था। यहां पर दोनों का सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि कॉमन है। अब एक डायग्राम और बना रहा हूं, बोर्ड पे देखते जाना। देखो नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं वो डायग्राम ऊपर बना रहा हूं। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, तीसरा डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना ऊपर बनाने में। वैसे भी एंड में सभी को ऊपर ही जाना है, एंड में हर एक इंसान को अपने अपने लेवल पर कहां पर जाना है, ऊपर ही जाना है। तो क्यों ना हम डायग्राम भी कहां पर बनाएं, ऊपर ही बनाएंगे, कोई रोक सकता है क्या जाने वाले को, है ना। ये तो फिर भी डायग्राम है, हम इंसान को नहीं रोक पाते, ठीक है तो बनाते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने इस बार दोनों सर्कल को कट करवा दिया। बोर्ड पे देखो कितने कमाल के सर्कल बनाए, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने दो चूड़ियां आपस में मिला दी, बिल्कुल ठीक। मुझे बताओ इन दोनों सर्कल ने एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर कट करा और एक इस वाले पॉइंट पर कट करा, ये पॉइंट तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना, कहां कहां पर कट करा है। एक तो ऊपर वाले पॉइंट पर कट करा और एक नीचे वाले पॉइंट पर कट करा। मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं ये पॉइंट कौन से सर्कल का है, तुम बोलोगे ये पॉइंट इस सर्कल का भी है, ये वाला पॉइंट इस सर्कल का भी है। मैं बोलूंगा ठीक है, अब ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला पॉइंट भी किस सर्कल का है, ऊपर वाला पॉइंट इस सर्कल का भी है और ऊपर वाला पॉइंट उस सर्कल का भी है। मतलब दोनों के कितने कॉमन पॉइंट हो गए, दोनों सर्कल के कितने कॉमन पॉइंट हो गए, दो कॉमन पॉइंट। दोनों सर्कल के कितने कॉमन पॉइंट हो गए, दो कॉमन पॉइंट। तो अब मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, बस दो। अब जरा 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मैं वो टीचर हूं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन क्या करवा दिया है, सॉल्व करवा दिया। देखो या तो सर्कल बहुत दूर दूर होंगे,
या फिर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, टच करना है ना, या फिर दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे। देखो दूर दूर रहना, मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ कट करके रहना। जब एक दूसरे के साथ कट करते हैं तो कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? दो कॉमन पॉइंट। जब दूर दूर रहते हैं तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और जब एक दूसरे को टच करते हैं तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 10.3 निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ता हूं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, ये कह रहा है अलग अलग पेयर बनाइए सर्कल के, मतलब सर्कल के जोड़े बनाइए। जोड़े का मतलब होता है दो दो सर्कल। मुझे बताओ मैंने नंबर 1 डायग्राम में भी कितने सर्कल बनाए? दो सर्कल। नंबर 2 डायग्राम में भी कितने सर्कल बनाए? दो सर्कल। और नंबर 3 डायग्राम में भी कितने सर्कल बनाए? दो सर्कल। तो क्वेश्चन ने यही बोला था, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, सर्कल के अलग अलग जोड़े बनाइए। मैंने 3 जोड़े बनाए। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, ये कह रहा है कितने पॉइंट्स कॉमन है। मुझे बताओ यहां पर कितने पॉइंट्स थे कॉमन? 0 पॉइंट्स। यहां पर कितने पॉइंट्स थे कॉमन? 1 पॉइंट। यहां पर कितने कॉमन पॉइंट्स थे? 2 पॉइंट्स। बताओ इससे ज्यादा क्या कभी हो सकते हैं? देखो ये पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। बताओ मैक्सिमम नंबर कॉमन पॉइंट्स कहां पर है? मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, तो देखो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स इसके अंदर है ना, और सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? 2 हैं। पहले तो ये तीनों डायग्राम लिख लो, और तीनों डायग्राम बनाने के बाद एंड में लिख लेना मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू 2। भाई मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? बस 2 हो सकते हैं। तो वीडियो पोस्ट करके तसल्ली से डायग्राम बना लो। देखो पहले नंबर 1 वाला बनाना, फिर नंबर 2 वाला, फिर नंबर 3 वाला। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट 2 हो सकते हैं, और कम से कम कितने हो सकते हैं? 0, मतलब होंगे ही नहीं। ठीक है, एक तो ये कि जब ये बहुत दूर दूर होंगे तब इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट वो होता है जो दोनों का होता है। देखो इसका अपना खुद का है और इसका भी अपना खुद का है, ये इन दोनों का है बीच वाला, और इन दोनों के कितने हैं? 2। इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर टिक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉब्लम ये है कि ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तुम लोगों की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 11 दे रखा है कंस्ट्रक्शन का, मैं सारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन वहां पर कराऊंगा। लेकिन सर्कल के अंदर फिलहाल एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कंस्ट्रक्शन का, तो इसके लिए तुम्हारे पास कंपास होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, इरेजर वगैरह होना चाहिए, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो। ठीक है, तो मैं इसको क्लास में कराऊंगा और तुम लोगों के पास पहले वो सामान होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो खैर इस क्वेश्चन पर डॉट लगा देना, अभी फिलहाल मैं वीडियो में इस क्वेश्चन को नहीं करा सकता। दो वजहें, एक तो हमारे पास सामान नहीं है, और दूसरी चीज इस क्वेश्चन को वीडियो में करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं रजिस्टर पे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तो मैं क्या लाना पड़ेगा, जो जो सामान मैंने बोला है, कंपास, स्केल, पेंसिल, रबड़ वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा सकता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन पर डॉट बना दो, और अगर अपने पेज पर थोड़ी सी जगह छोड़ना चाहते हो तो जगह छोड़ दो, और नहीं छोड़ना चाहते तो बाद में कर लेंगे, जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेना। ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं इसको बाद में करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, मैं तुम्हें दो चीजें समझाऊंगा, एक परपेंडिकुलर और एक बाइसेक्टर। हालांकि इन सब चीजों के बारे में मैंने पहले भी कई कई बार बताया है, लेकिन मेरी आदत है एक ही चीज को बार बार बताने की, ताकि जितना ज्यादा उसको रिपीट किया जाए उतना ज्यादा बच्चों को देर तक ध्यान रहता है और समझ में आता है। देखो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना।
मान लो ये कोई लाइन है और इस लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। देखो इस लाइन पर मैंने क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर का मतलब है कि कितने डिग्री का एंगल, बोलो कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये तो बात होती है परपेंडिकुलर की, क्या होती है ये बात होती है परपेंडिकुलर की, जो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आती है। ये तो हो गई बात परपेंडिकुलर की। अब इधर देखो बाइसेक्टर की कहानी सुनो, देखो बाइसेक्टर की क्या कहानी है। फिर से देखो, मैंने एक लाइन बनाई और उस लाइन पर मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा। ये देखो मैंने इसको बाइसेक्टर बना दिया। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि मैंने जो लाइन बनाई है ना डॉट वाली, उस डॉट वाली लाइन ने इसके दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए होंगे। दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए होंगे, मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो नीचे भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ऊपर अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो नीचे भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब होता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर बराबर टुकड़े, दो बराबर बराबर टुकड़े। अब मैं कह रहा हूं कि एक ही के अंदर दोनों बात होनी चाहिए। पहले मैंने तुम्हें 90 डिग्री समझाया, फिर मैंने तुम्हें बाइसेक्टर समझाया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि दोनों बातें एक ही के अंदर होगी तो क्या होगा। तो देखो जरा, फिर से मैंने एक लाइन बनाई जिस लाइन को मैंने नेम दे दिया ए बी, और उस लाइन पर मैंने फिर से एक बाइसेक्टर बना दिया। और कितने डिग्री पर बना दिया, वो बाइसेक्टर मैंने बना दिया 90 डिग्री पर। अच्छा 90 डिग्री पर बाइसेक्टर बनाने का क्या मतलब है, देखो पहली बात तो ये कि ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, और दूसरी बात ये कि इस परपेंडिकुलर ने ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा है। इस परपेंडिकुलर ने क्या करा, इस परपेंडिकुलर ने पहली बात तो 90 डिग्री बनाया, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कितने डिग्री बनाएगा भाई, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री ही बनाएगा। तो इस परपेंडिकुलर ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। और दूसरी चीज ये कि इसने ऊपर वाली साइड को और नीचे वाली साइड को क्या कर दिया, बराबर बराबर कर दिया। मतलब कि अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें प्रूफ करना है तो दो बातें करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो दो बातें करनी है। पहली बात, हमें 90 दिखाना है, कुछ भी करके हमें क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। दूसरी चीज, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को हमें क्या करके दिखाना है, बराबर करके दिखाना है। देखो बाइसेक्टर का मतलब है कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर करके दिखाना है, और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 करके दिखाना है। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा क्या है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। देखो ये कह रहा है कि दो सर्कल हैं और वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे देखो जरा, पहले मैंने एक सर्कल बना लिया है ना, फिर दूसरा सर्कल बना लिया। तुम सोच रहे होंगे मैंने एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया, क्या ऐसा करने के पीछे कोई वजह है? तो ऐसा करने के पीछे किसी भी तरह की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी मर्जी है, तुम पहला छोटा बना लो, दूसरा बड़ा बना लो, या दूसरा छोटा बना लो, या पहला बड़ा बना लो, सब तुम्हारी मर्जी है। या फिर अगर तुम दोनों के दोनों सर्कल बराबर बनाना चाहते हो तो बराबर बना लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था देखो, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। बोर्ड पे देखो, दो सर्कल है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट पर, है ना। मैंने अभी इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे फिगर बनवाकर दिखाई थी ना, कि जब दो सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, या किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता, है ना। तो ऐसी फिगर हमने वहां पर बनाई थी। यहां तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा था और हमने फिगर बना के भी रख दी। क्वेश्चन ने कहा था इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। तो देखो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट पर। एक काम करते हैं, इनको ना नेम दे देते हैं। तो
तो पहले वाले पॉइंट को नेम दे दिया ए और दूसरे वाले पॉइंट को नेम दे दिया बी। ठीक है, अब आगे देखो। देखो यहां तक तो क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, अब आगे क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा है, और क्या प्रूफ करवा रहा है ये देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूफ करवाने के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट देयर सेंटर, ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि जो सेंटर है लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या शब्द इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। क्या दिखाई दिया तुम्हें, तुमको दिखाई दे गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ दैट देयर सेंटर लाई, ये प्रूफ करना है कि जो सेंटर है वो किस पर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ऑफ द कॉमन कोण। देखो जरा इस चीज को ना ध्यान से समझो, वो सेंटर किस पर है, वो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोण का। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ द कॉमन कोण। देखो कोण के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर आते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, पहले कोण बना लेते हैं। मुझे बताओ कोण, और कौन सी कोण, कॉमन कोण। तो बताओ जो दोनों की हो वो तो ये बनेगी ना कोण, जो देखो थोड़ी सी आउट हो गई, कोई बात नहीं। जो कोण दोनों की बनेगी वो कोण कौन सी होगी, वो तो ये वाली कोण होगी, क्योंकि देखो ये वाली कोण इस सर्कल के अंदर भी आ रही है और ये वाली कोण इस सर्कल के अंदर भी आ रही है, तो ये कोण दोनों के अंदर है तभी तो कॉमन है। अब क्वेश्चन ने बोला है इस कोण का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो पहले बना लेते हैं। देखो इसका सेंटर मान लो ये रहा, ठीक है, और इसका सेंटर मान लो ये रहा, है ना, रफली। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली सेंटर इधर आएगा, भाई बोर्ड पे तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना। बस अंदाजे से लगा लेते हैं कि मान लेते हैं ये दो सेंटर हैं, और ये हमने सेंटर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बोर्ड पे देखो जरा, देखो इस वाले सेंटर को मैं क्या नेम दे रहा हूं, इस वाले सेंटर को नेम दे रहा हूं ओ, और इस वाले सेंटर को नेम दे रहा हूं ओ डैश। एक को नेम दिया ओ और एक को नेम दिया ओ डैश, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोण। देखो ये जो कोण है बीच में, ये तुम्हें कोण दिखाई दे रही है ना, इस कोण पर मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तुम देख सकते हो। लेकिन ये जो मैंने बीच में डॉटेड वाली लाइन बनाई है, ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी मैंने समझाई थी। बताओ मैंने ऐसी कुछ समझाया था ना तुम्हें, मैंने तुम्हें समझाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर प्रूफ करना है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो मुझे क्या क्या प्रूफ करना है। मुझे एक तो 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के बराबर दिखानी है, ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े के बराबर दिखाना है। देखो अब जरा, एक तो मुझे ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री का, है ना। एक तो मुझे ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरी चीज, ऊपर वाली सेगमेंट दिखाई दे रही है, ये वाली सेगमेंट। एक काम करता हूं मैं ना, इनको नेम वगैरह दे देता हूं, नेम से तुम्हें आसानी रहेगी, एसी, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली सेगमेंट एसी और नीचे वाली सेगमेंट बीसी, तो मुझे एसी और बीसी को भी बराबर दिखाना है, ठीक है। अब एक काम करो, हमें सॉल्व करने के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है और क्यों करना है ये समझ में आ गया होगा। देखो क्या करना है ये तो बच्चों को समझ में आ ही जाता है, क्यों करना है ये बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है। फिर से जरा 2 मिनट के लिए देखो। देखो क्वेश्चन ने बोला था कि कोण पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं, सेंटर। देखो कोण का है ये रही बीच में कोण, उस कोण का मैंने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डॉटेड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसी बाइसेक्टर के ऊपर क्या चिपके हुए हैं, सेंटर। इसी बाइसेक्टर के ऊपर क्या चिपके हुए हैं, सेंटर, तुम देख सकते हो। मुझे बताओ इरी डॉटेड के ऊपर तो चिपके हुए हैं सेंटर, यही तो है सेंटर,
बताओ दोनों सर्कल के सेंटर तुम्हें चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं? प्रॉपर तरीके से चमक रहे होंगे, ठीक है? तो दोनों सर्कल के सेंटर इस पर आ रहे हैं, ठीक है? तो दोनों सर्कल के सेंटर भी आ रहे हैं और इनको हमने बीच में कोड भी फिट कर रखी है। अब हमें प्रूफ करना है कि बीच वाली जो चीज है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन ने यही प्रूफ करवाया है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट देयर सेंटर। प्रूफ करो कि जो सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। मतलब ये जो बीच वाली डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक एक करके करेंगे, है ना? क्या दिक्कत है? तो एक काम करो, सबसे पहले गीवन लिखो। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर गीवन में कुछ खास है नहीं। गीवन में हमारे पास क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन है? गीवन में हमारे पास कुछ भी खास इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे। तो बस इतना सा लिख दो, लिखो टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, है ना? भाई दो सर्कल है हमारे पास। हमारे पास कितने सर्कल है? हमारे पास दो सर्कल है विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है? उम्मीद करता हूं तुम्हें प्रॉपर वीडियो में विजिबल होगा, ठीक है? वैसे मैंने चेक कर लिया, दिखाई दे रहा है। अब लिखो टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन हमारी क्या है? ये डॉटेड लाइन हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यही चीज तो प्रूफ करनी है। इस डॉटेड लाइन को क्या प्रूफ करके दिखाना है? डॉटेड लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करके दिखाना है। मतलब कि 90 डिग्री करके दिखाना है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? डॉटेड लाइन वाली का एंगल 90 डिग्री करके दिखाना है, ठीक है? और ऊपर वाला टुकड़ा मतलब कि AC और नीचे वाला टुकड़ा यानी कि BC, इनको बराबर करके दिखाना है, ठीक है? तो एक तो मुझे क्या करके दिखाना है कि ये जो एंगल है, तो एक काम करते हैं, सीधा लिख लेते हैं, चलो ओ ओ डैश, है ना? या फिर चलो एंगल के नाम पर लिख लेते हैं। देखो ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल बोलो चाहे नीचे वाला एंगल, है ना? तो ACO, तो एंगल ACO को मैं क्या दिखाने वाला हूं? 90 डिग्री, ठीक है? पहली बात। अब दूसरी बात, ऊपर वाली सेगमेंट नीचे वाली सेगमेंट के बराबर दिखाना चाहता हूं। ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े के बराबर दिखाना चाहता हूं, मतलब कि AC बराबर दिखाना चाहता हूं BC के। तो लिखो AC इक्वल टू BC, है ना? AC इक्वल टू BC। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी थी मैंने। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करी थी? कंस्ट्रक्शन ये करी थी, देखो तुम्हें याद होगा मैंने इन सबको ज्वाइन करा था ना बाद में। ए को ओ से ज्वाइन करा, ओ को बी से ज्वाइन करा, बी को ओ डैश से ज्वाइन करा, ओ डैश को ए से ज्वाइन करा ना। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लो ये सारी बातें, लिखो ज्वाइन ए ओ बी, बी ओ डैश ए। समझ में आ रहा है ना? मैंने चार चार लाइनों को आपस में ज्वाइन करा था और ये बातें क्वेश्चन ने हमें बोली नहीं थी, फिर भी हमने ज्वाइन करी। मतलब कि किसमें आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उन सब चीजों को कहां पर नोट किया जाता है? कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं, लिखो प्रूफ। तो अब हम प्रूफ करने वाले हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही इजी है, समझ में आएगा, ठीक है? अब जरा बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखो क्या तुम्हें ऊपर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ऊपर वाला ट्रायंगल, चलो मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं, अब तुम्हें दिखाई देगा। अब तुम्हें दिखाई दिया ऊपर वाला ट्रायंगल, है ना? ऊपर वाला ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे गया होगा। अब और अब नीचे वाला देखो। अब मैं तुम्हें नीचे वाला नहीं बनाकर दिखाऊंगा, नीचे वाला अब तुम्हें खुद ही दिखाई दे जाएगा। देखो ऊपर वाला ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, अब नीचे वाला बी ओ डैश, है ना? इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, लिखो इन ट्रायंगल ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ डैश। समझ में आया? इन दो ट्रायंगल के अंदर हम आ गए। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ, इन दो को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं। बोर्ड पे देखो,
इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो बीच वाली डॉटेड लाइन है, तो देखो डॉटेड लाइन उस ट्रायंगल में भी आ रही है और वो डॉटेड लाइन इस ट्रायंगल की भी है, मतलब वाली साइड दोनों में कॉमन है। तो लिखो ओ ओ डैश इक्वल टू ओ डैश, साइड में लिख देना कॉमन, है ना। ये वाली साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, समझ में आया। तो देखो बड़ा ही आसान सा काम है। अब फिर से देखो जरा, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड दिखाई दे रही है तो मैं ये वाली साइड, ठीक है, और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड दिखाई दे रही है, बताओ क्या ये दोनों साइडें बराबर होंगी या नहीं होंगी। ये वाली दोनों साइडें बराबर होंगी या नहीं होंगी, मुझे बताओ। सेंटर से ए तक ये क्या है, रेडियस है ना, क्या ये रेडियस है या नहीं है। देखो ये भी रेडियस है इसी सर्कल की और ये भी रेडियस है इसी सर्कल की, तो बताओ एक सर्कल की रेडियस सेम है तो सेम होती है रेडियस। तो लिखो एओ और बीओ, एओ और बीओ लिख देना सेम रेडियाई, क्या बोलते हैं इसको, सेम रेडियाई। जब दो रेडियस या दो से ज्यादा रेडियस होती है ना तो रेडियस नहीं लिखते हैं, रेडियाई लिखते हैं, RAD II, सेम रेडियाई ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। तुम सोच रहे होंगे इतनी सारी लंबी लाइन क्यों लिख दी, भाई बताना पड़ेगा ना कौन से सर्कल की रेडियस है, इस वाले सर्कल की रेडियस है या उस वाले सर्कल की रेडियस है, ये बात बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला ओ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। अब एक और देखो जरा, जो काम तुमने यहां पर समझा है ना उसी काम को उधर देखो, देखो जरा उस सर्कल के अंदर भी देखो, क्या ये भी रेडियस नहीं है, बताओ ये दो भी तो रेडियस हैं, लेकिन ये दो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की और ये दो रेडियस थी छोटे वाले सर्कल की, तो ये दोनों रेडियस हमने पहले लिख दी। अब इन दो रेडियस की बात करेंगे, तो इन दो रेडियस के लिए लिखो ए ओ डैश, ए ओ डैश बी ओ डैश, और रीजन क्या आएगा, रीजन सेम आएगा, है ना, सब कुछ सेम आएगा, बस लास्ट में एक बात बदल जाएगी। तो लिखो सेम रेडियाई ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ डैश, है ना, विद सेंटर ओ डैश। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले वाले सर्कल में क्या लिखा, ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, और दूसरे वाले सर्कल में क्या लिखा, दूसरे वाले में सर्कल में लिखा ओ सेंटर ओ डैश, क्यों, क्योंकि उस वाले सर्कल का क्या सेंटर है, ओ डैश। अब मुझे बताओ तीन तीन साइड आ गई ना, देखो ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, जब किसी भी ट्रायंगल में तीन साइडें बराबर हो जाती है तो वो ट्रायंगल किस में आ जाता है, कॉन्गोरेंट में। तो लिखो देयर फोर ट्रायंगल ए ओ डैश कॉन्गोरेंट टू ट्रायंगल बी ओ डैश, साइड में जरूर लिखना बाय SS क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया, SSS क्राइटेरिया, ठीक है। तो फटाफट से इतना पार्ट नोट कर लो, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं लगता कि कुछ होता होगा, ठीक है। देखो जरा इधर देखना जरा 2 मिनट के लिए, क्या मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्गुरेंट कर दिया नीचे वाले ट्रायंगल के साथ, हाँ कर दिया। तो मुझे बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, जब मैंने इन दो ट्रायंगल को कॉन्गुरेंट कराया, याद करो चैप्टर 7 में मैंने क्या पढ़ाया था, जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी कॉन्गुरेंट होते हैं। तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर मैं इसको 1 बोल दूं और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर मैं इसको 2 बोल दूं, तो बताओ 1 और 2 बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, है ना। ऊपर वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के अभी अभी हम क्या करके आए, कॉन्गुरेंट करके आए, और अगर कॉन्गुरेंट करके आए तो ऊपर वाले का एंगल नीचे वाले के एंगल के बराबर तो होगा ही होगा, मतलब कि 1 2 के बराबर होगा। तो लिखो इस चीज को Angle 1 = Angle 2 और साइड में लिख देना बाय CPCT। हाँ फिगर में जरूर दिखा देना 1 एंड 2, ठीक है।
तो इसमें से मैं फालतू की बातें हटा देता हूँ, घिचपिच मच रही है बहुत ज्यादा, है ना भाई। एक्स्ट्रा बातें तो तब दिखाई जाती है ना जब समझाया जाता है, अब तो हमने समझा दिया, अब हमें एक्स्ट्रा बातों की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा साफ सा लग रहा है भाई, इतना गंदा हो गया था, मुझे गंदी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, अब ठीक लग रहा है। तुम सोच रहे होंगे मुझे तो परपेंडिकुलर करना था, मतलब 90 डिग्री करना था और दो साइडों को बराबर दिखाना था, अभी तक मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा रह गया है। चलो खैर, इस वाले पार्ट को अब यहां से हटा देते हैं। और ये जो 1 इक्वल टू 2 करके लाया हूं ना मैं, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूँ साइड में, वरना तुम मुझे बताओगे नहीं, मुझे मालूम है तुम बड़े चालू हो, मुझे कुछ नहीं बताते। अब जरा इधर देखो, फिर से देखो, अब तुम्हें ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए। देखो मैं तुम्हारी समस्या को खत्म करने के लिए ना बीच में से ये फालतू की लाइन हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये लो। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, क्या तुम्हें ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? देखो ए ओ सी, ये दिखाई दे रहा है छोटा वाला, ए ओ सी। अब जरा इसी के ठीक नीचे वाला देखो, ये वाला देखो, बी ओ सी। ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, नीचे वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलो तो लिखो फिर से, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं, उम्मीद करता हूं तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना, और फिर तुम्हें बुरा लगेगा भी क्यों, और लगता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है ना, क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो फिर करते हैं। देखो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते समय देखो जरा, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 2, बताओ क्या ये मैंने पहले ही बराबर कर दी है ना, ये रखे हुए मैंने बताया था ना कि तुम मुझे बताओगे नहीं, लेकिन मैंने उधर लिख रखा था, है ना, कहां पर प्रूफ कराए, अब ये भी प्रूफ करके आए। 1 और 2 को हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, 1 और 2 को हमने अपनी मेहनत से अपने दम पर प्रूफ करके दिखाया है, अभी अभी तुम चेक कर सकते हो ऊपर के सॉल्यूशन में, अभी अभी हम इसको क्या करके आए भाई, बराबर करके आए, है ना, चोरी थोड़ी ना करिए किसी की, हम नहीं करते चोरी डकैती, ठीक है। तो 1 और 2 को हमने बराबर कर दिया है, साइड में लिख दो, और साइड में लिख देना प्रूव्ड अब, है ना, ये वाली चीज तो ऊपर से आ गई, है ना। अब एक साइड और देखो जरा, नीचे देखो इधर, क्या ये तुम्हें बीच का डॉटेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है? डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला, अब तो दिखाई दे रहा होगा, बताओ ये डॉटेड वाली लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल की भी है और ये डॉटेड वाली लाइन नीचे वाले ट्रायंगल की भी है, ये डॉटेड वाली लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और ये डॉटेड वाली लाइन नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, मतलब ये डॉटेड वाली लाइन दोनों ट्रायंगल में है, मतलब कि ये कॉमन है। तो लिखो ओ सी इक्वल टू ओ सी, साइड में लिखना कॉमन, है ना भाई, कॉमन है तो कॉमन है। अब या तो एक साइड और मिल जाए, है ना, या फिर एक एंगल और मिल जाए, साइड मिली भी है भाई, क्यों टेंशन लेते हो, देखो जरा फिर से देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, बताओ ये दोनों साइडें फिर से क्या है, रेडियस है, बताओ सेंटर से यहां तक और सेंटर से वहां तक, ये क्या होती है, रेडियस होती है, तुम्हें मालूम है ना, किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से हम कुछ भी बनाते हैं तो वो सर्कल की क्या कहलाती है, वो उस सर्कल की रेडियस कहलाती है। तो ये रेडियस है दोनों की दोनों, मतलब कि ये बराबर होंगी। तो लिखो ओ ए इक्वल टू ओ बी और साइड में लिखना सेम रेडियाई, सेम रेडियाई, और कौन से सर्कल की, तो लिख लो ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, है ना, बस ओ, सर्कल कौन सा वाला, सेंटर ओ वाला, सेंटर ओ वाला, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भाई पानी पी लेता हूं, मुझ पर थोड़ा रहम करो, है ना, जब तक देखो कॉन्ग्रुएंट तो खैर ये हो चुका है, दो साइड आ गई, एक एंगल आ गया, देखो जरा ये वाली साइड, फिर एंगल, फिर ये वाली साइड,
मैंने क्राइटेरिया देखना बताया था कैसे देखते हैं। देखो साइड एंगल साइड, तो लिखो देयर फोर ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, साइड में लिखना बाय सास क्राइटेरिया, मतलब कि एस ए एस क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया की हेल्प से हमने इन दोनों ट्रायंगल को भी क्या कर डाला, कॉन्ग्रुएंट कर डाला। तुम कह रहे होंगे कि अभी तक ना तो मैंने 90 करा ना ही मैंने साइड बराबर करके दिखाई। देखो बोर्ड पे मुझे एक तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना था और एक मुझे बाइसेक्टर प्रूफ करना था। एक तो मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना था और एक मुझे बाइसेक्टर प्रूफ करना था। तो ना तो मैंने परपेंडिकुलर प्रूफ करा है 90 और ना ही मैंने अभी तक साइड बराबर दिखाई। कोई बात नहीं, देखो ये तो आ गई। अब जरा इधर देखो, मैंने बोला था ना ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर करना था, तो देखो आ गया। बताओ AC और BC क्या बराबर लिख सकता हूं? हाँ, साइड में लिखो बाय CPCT। बताओ क्या मैंने साइड बराबर कर दी? क्या मैंने ऊपर वाला टुकड़ा, देखो मैंने बताया था ना जब किसी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरता है, स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन की, जब किसी लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरता है तो ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े के बराबर दिखाना होता है। तो AC को BC के बराबर तो दिखा दिया, अब 90 डिग्री पर और दिखाना है। अब किस पर दिखाना है? अब 90 डिग्री पर और दिखाना है। जरा इधर देखो मेरे को, मुझे देखकर बताओ। देखो मुझे ना तुमसे कुछ चीजें पूछनी है जिसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं इतना हिस्सा ना रब कर रहा हूं। तो अगर नोट नहीं करा है तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो इधर का हिस्सा, नहीं तो मैं रब कर रहा हूं। ये लो, मैंने ना इतना पार्ट यहां से रब कर दिया। देखो इधर देखना जरा 2 मिनट के लिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। देखो इतने हिस्से को ना मैं नीचे बना रहा हूं। देखो ए सी ओ बी, अलग से बनाने से क्या फायदा होता है? अलग से बनाने से ना चीजें और भी ज्यादा अच्छे से और क्लियर समझ में आती है। जरा इधर देखो, तुमने अभी ऊपर वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल को क्या करा है? कॉन्ग्रुएंट करा है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। होगा या नहीं होगा? होगा ना, होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। लेकिन अभी मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, अभी मुझे जरूरत है सिर्फ किसकी? ना तो मुझे इसकी जरूरत है ना मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है जो मैंने छोड़ा है। और कौन सा छोड़ा है मैंने? मैंने ये वाला छोड़ा है। अब जरा देखो ये कौन से एंगल है, देखो जरा ए सी ओ, तो लिखो एंगल ए सी ओ इक्वल टू होगा किसके इक्वल टू होगा? बी सी ओ के, एंगल बी सी ओ के। होगा या नहीं होगा बताओ? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? अपने सामने वाले एंगल के। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? अपने सामने वाले एंगल के। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? अपने साइड वाले एंगल के। सबके सब अपने कोरस्पोंडिंग एंगल के बराबर होते हैं। यही तो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है? मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो साइड में लिख दो बाय CPCT और इसमें भी लिख दो बाय CPCT। देखो क्वेश्चन ने बोला था साइड बराबर करने को, तो वो तो कर दी। हाँ 90 डिग्री मैंने अभी तक नहीं करा है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बस होने ही वाला है। ये लो बस हो गया, समझो। देखो अभी अभी तुमने मुझे क्या बताया, अभी अभी तुमने मुझे बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे आपस में? ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, ठीक है। चलो बराबर तो मैंने लिख दिया, अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर पेयर भी होंगे? है ना, होंगे। मुझे बताओ दोनों के दोनों एंगल किस पर बन रहे हैं? एक ही लाइन पर बन रहे हैं, और एक ही लाइन पर बनने वाले सारे एंगल
एक ही लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है? जल्दी बोलो। लीनियर पेयर, मतलब कि 180। अच्छा, ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ये कैसे पता चला? कोई बात नहीं, यहां पता नहीं चल रहा, इधर देख लो। अब जरा मुझे बताओ, ये कोड दोनों की थी ना? कोड तो एक लाइन होती है, इसका मतलब ये लाइन थी, और लाइन थी तो लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 होगा ना? होगा। तो मुझे बताओ, ACO का सम BCO के साथ, देखो, ACO का सम BCO के साथ कितना होगा? 180। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? ये एंगल का सम 180 क्यों होगा? साइड में लिखो, बिकॉज लीनियर पेयर। किसकी वजह से? लीनियर पेयर की वजह से। किसकी वजह से? लीनियर पेयर की वजह से। तो लीनियर पेयर की वजह से ये 180 होगा। और अभी अभी हमने ये प्रूफ करा था, देखो नीचे मैंने रब कर दिया जल्दबाजी में, इधर लिखा हुआ था है ना, मतलब इससे पहले वाले स्टेप ये कर रखा था ना, ACO को बराबर कर रखा था BCO के, और क्या लिख रखा था? बाय CPCT। मैंने ना जल्दबाजी में नीचे वाले स्टेप भी रब कर दिया, मुझे वो रब करना नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे याद था, मेरी बहुत शार्प मेमोरी है। तो देखो, नीचे वाला जो स्टेप मैंने जल्दबाजी में रब कर दिया ना, जोशी जोश में, उस स्टेप को मैंने एक बार फिर से दोबारा से ऊपर कॉपी कर दिया। तो इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो जरा, जो स्टेप में मैंने रब करा है वो यही तो था कि मैंने इन दोनों एंगल को बराबर, चलो मैं इधर बना ही देता हूं तुम्हें, ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे, ऐसा कुछ था ना, ACBO, मैंने इन दोनों एंगल को बराबर कर रखा था, यही तो था स्टेप, है ना। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ, मैं ACO की जगह BCO और BCO की जगह ACO डाल सकता हूं ना? तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं BCO की जगह ACO डाल रहा हूं, मतलब मैंने दोनों को ACO बना दिया, ऐसा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो तुम या तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, या इसकी जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, ऐसा हम तब कर सकते हैं जब ये बराबर होते हैं, और ये बराबर हमने कर दिए थे। अब बताओ, ACO और ACO कितने ACO? 2 ACO। तो बताओ, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ACO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90। तो एंगल ACO की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। मुझे बताओ, इक्वल मैंने पहले ही कर दिया था, एंगल मैंने अब दिखा दिया 90, तो बताओ क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया? तो लिख दो, देयर फोर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। हमने पहले ये दिखाया कि वो बाइसेक्टर है, और अभी अभी दिखाया कि ये परपेंडिकुलर भी है। हमने पहले ही दिखा दिया था बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब कि ऊपर वाली लाइन का टुकड़ा नीचे वाली लाइन के टुकड़े के क्या है? बराबर है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े के बराबर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? कि 90 डिग्री पर है। तो ये दोनों चीजें हमने प्रूफ कर दी। तुम्हें याद होगा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही मैं तुम्हें ये वाली बात बोलता आ रहा था। देखो, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ये बात बता दी थी ना कि ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े के बराबर, और जो कि मैंने कर दिया है, मैंने AC और BC को भी बराबर करा था, अभी आया था ना, इससे ऊपर वाला स्टेप आया था। फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि 90 डिग्री पर होता है, तो ये 90 डिग्री भी अब करके दिखा दिया, ये रहा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और इसी क्वेश्चन के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा।